जो विषय दिया हुआ है कि महिलाएं जो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हैं, इनका फूले अंबेडकरी या अंबेडकराइट लेबर मूवमेंट में किस तरह से सहभाग बढ़ाया जाए, और इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन के जो आयोजक है पाटिल साहब और अन्य महिलाएं, और आप उन लोगों के सामने मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आया है कि किस तरह से महिलाएं उनका इस इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन के तरफ झुकाव बढ़ाया जा सके और ये काम पूरे देश भर में बढ़ाया जा सके। क्या मैं सही हूँ इसी तरह से पाटिल साहब, है ना? तो ये जो दायरा है ये बहुत बड़ा है, और ये दायरा इसके साथ महिलाओं के, खासकर जो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो महिलाएं हैं उनके क्या मुद्दे हैं उसके ऊपर यहाँ पर बोलने के लिए भी मुझसे अपेक्षित है। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर किसको कहते हैं। ऑर्गेनाइज्ड मतलब जहाँ पर कि बहुत ही साधारण भाषा में वो ऐसा माना जाएगा कि जहाँ पर बेनिफिट्स है, जिन यहाँ पर उनके हक और हकूक को माना गया है, उनके अस्तित्व को माना गया है, उनके वर्किंग आवर्स जो लेबर लॉज जिनके ऊपर अप्लाई होते हैं उसको प्रोटोकॉल और एक निश्चित एक्ट के माध्यम से जिनके ऊपर वो उनका संरक्षण होता है, और संविधान के माध्यम से जितना भी जो यहाँ पर लेबर फोर्स पब्लिक सेक्टर में हुआ है किया गया है वो, और अन्य सेक्टर में जो हुआ है उनके ऊपर लागू होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो है जो कि जिसके ऊपर यह कुछ भी लागू नहीं होता या लागू नहीं किया जाता, या आज भी अपने आप को वो सारी के सारे लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, ये सब कुछ भी आता है, उसमें कोल माइंस और अन्य जितने पावर ग्रिड है, अन्य जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनियंस है, यूनिट्स है, उनको भी उनका समावेश है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो है जैसे कि एग्रीकल्चर लेबर, जो जैसे कि दिहाड़ी मजदूर, जैसे कि हमारी घर में काम करने वाली या हमारे समाज में से निकलकर दूसरों के घरों में काम करने वाली महिलाएं, जिनको कि मेड सर्वेंट करके कहा, डोमेस्टिक वर्कर्स कहा जाता है, जो सेक्स लेबर करती है या सेक्स स्लेवरी करती है, वो महिलाएं जिन लोगों का आज भी जितना बड़ा प्राइवेट सेक्टर बना हुआ है वहाँ पर वो सेल्स गर्ल काम कर रही है, कोई दुकानों में काम कर रही है, कोई किसी के प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रही है, इन सब के ऊपर कोई भी जो एक्ट है, कोई भी जो जो कानून है, यह या तो हल्के तरीके से लागू किए जाते हैं या लागू ही नहीं किए जाते। यह हो गया अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और हम देखते हैं कि बहुजन समाज, जो SC ST OBC जो लोग हैं, अंबेडकराइट जो लोग हैं, वो समाज जो है, फुले का समाज जो है, फुले साहब का, पेरियर साहब का जो समाज है, वह यह अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। सो ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इसमें बहुत 80% इस देश का जो लेबर फोर्स है, पुरुष हो या महिला, दोनों के दोनों यहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहना चाहिए ऐसा इस संविधान में नहीं लिखा है। संविधान में तो ये तरतूद की है कि इस पूरे लेबर फोर्स को संगठित ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाया जाए, लेकिन इस देश में आज की स्थिति यह है कि मौजूदा हालात ये है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर होने की वजह से इनके मसले भी बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर फिर जिसकी तानाशाही, जिसकी मर्जी जैसा चलेगा वैसा चलने के लिए वो फ्री है। और यहाँ से आप देख पाएंगे कि किस तरह से उनके मसले, उनके जो प्रॉब्लम्स है, समस्याएं कैसे दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हुई है। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ऐसा नहीं है कि मसले नहीं है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर भी है, वहाँ पर उनके जो वर्किंग आवर्स है उनके ऊपर कोई पाबंदियाँ हैं, लेकिन उसको ज़्यादा बनाया जाता, उनके प्रमोशंस नहीं किया जाते, जो आरक्षण का जो नीति लागू की गई है उसके ऊपर वो लागू नहीं किया जाती, उनके ऊपर प्रमोशंस टाइम टू टाइम नहीं होते हैं, उनके ऊपर अत्याचार होते हैं। जहाँ पर कि यहाँ पर विशाखा एक्ट की बात हुई, महिलाओं के ऊपर
शाब्दिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी अत्याचार लगातार किए जाते हैं, ताकि उनके अंदर की अस्मिता, उनके करने के अंदर के काम करने का जो कर्तव्यगारी है उसको पूरी तरह से दम किया जाए। वो उसी ढांचे में लाया जाता है जहाँ की यहाँ की जो व्यवस्था और सामाजिक जो नॉर्म्स और सामाजिक जो सोच है उसको वहाँ पे पूरी तरह से आरूढ़ करने की ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी जद्दोजहद दिन ब दिन होते रहती है। और ये इसका बहुत बड़ा मसला हुआ है, क्योंकि आप अगर महिलाओं की ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं तो इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि महिलाएं ऑर्गेनाइज सेक्टर में है ही नहीं। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट दे आर नॉट रिप्रेजेंटेड। यहाँ की देश की, इस देश की महिलाएं, चाहे वो सवर्ण हो या अवर्ण हो, SC/ST बहुजन समाज की हो, वह उनकी उनका प्रतिशत रिप्रेजेंटेशन का, उनकी वहाँ पर मौजूदगी ही सबसे कम है। और अगर हम उसके तह में और भी जाते हैं तो जो सवर्ण महिलाएं हैं, उच्च वर्णीय महिलाएं, वो ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब 90% है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो SC/ST OBC की महिलाएं हैं वो उनका प्रतिशत बहुत कम है। कितना कम है? 6%, 5%, 3% ऐसा है। तो ये बहुत बड़ा मसला है। अगर इस देश की 85% महिलाएं हैं, अगर 50-60 करोड़ महिलाएं में से कुछ प्रतिशत ही 5% है, और उसमें से 85% महिलाएं जो है उनका बिल्कुल भी नहीं है, नहीं के बराबर है, तो ये सबसे बड़ा मसला है। अब ये जो छोटी थोड़ी बहुत महिलाएं जो है उनको लेकर पाटिल साहब बोल रहे कि अभी हमको कुछ करना है। आप सबसे अनुरोध है कि वॉइस 85 इंडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस की जानकारी आप तक सीधे पहुंचती रहे।